नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापानी फ्रूट की खेती के बारे में। इस फ्रूट के अंदर तीन अच्छी क्वालिटी है। पहली, आज फ्रूट को तोड़ लीजिए, 15 दिन बाद बेच लीजिए, फ्रूट खराब नहीं होगा। दूसरी, अगर फ्रूट ना बिके तो उसे आप ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं, यानी कि उसका मेवा बनाकर बेच सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी कि ये जो पौधा है, इसका पौधा रोग मुक्त होता है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं लगता। और चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी कि इस फ्रूट की मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो इस फ्रूट के बारे में, इस फ्रूट की खेती के बारे में बातचीत शुरू करें। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे जरूर मैसेज करें। तो दोस्तों, इस फल का नाम है परसिमन फ्रूट। ये जापान में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे जापानी फ्रूट कहते हैं। वैसे जो इसका ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है। भारत में इसकी दो अच्छी वैरायटी चलती हैं, एक है फुयू, दूसरी है हैचिया। हैचिया एक ऐसी वैरायटी है जिसको आज आपने उसका फल तोड़ा तो 10 दिन बाद उसका फल खाने लायक होगा, यानी कि तोड़ने के बाद उसके फल को कुछ दिन रखना पड़ता है। और इसका मतलब है कि इस फ्रूट को लगभग आप 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और जो फुयू वैरायटी है उसके फल को अभी तोड़ो अभी खाओ तो भी खा सकते हैं, और अगर 10 दिन रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। तो जो लोग लोकल मार्केट में सेल करना चाहते हैं वो फुयू वैरायटी को उगा सकते हैं, और जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते वो हैचिया वैरायटी को उगा सकते हैं। अब रही बात कि इसके पौधों को लगाना कैसे होता है, तो आपको क्या करना है, एक 3x3 फीट का गड्ढा खोदना है, उसके अंदर बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली पाउडर और गार्डन सोइल, यानी कि जो मिट्टी उसमें से निकलेगी वही मिट्टी मिक्स करके डालनी है और पौधा उसमें लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट आपको रखनी है। अब रही बात कि इसके अंदर रोग, तो रोग इसमें नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कीट पतंगे आए तो आप नीम ऑयल जो है 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए। अब रही बात कि भाई अब इसको सेल कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम ये आपके लोकल मार्केट में सेल हो जाएगा, अन्यथा आपके जो बड़े शहर हैं आसपास में वहां पर जाकर आप इसे सेल कर सकते हैं। अब रही बात कि ये हो कहां कहां जाता है, तो ये जम्मू में भी होता है, ये हिमाचल में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा सा उत्तराखंड के पास में लगता है वहां पर होता है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से इसकी खेती महाराष्ट्र में भी की जा रही है गर्म इलाकों में, और इसकी खेती जो है वो गुजरात में भी की जा रही है गर्म इलाकों में। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भाई जितना फ्रूट हिमाचल और उत्तराखंड में लग रहा उतना वहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन वहां पर पौधे लगा दिए गए हैं। पौधा लगने के 3 साल बाद यह आपको फल देना शुरू करेगा, 3 साल बाद यह आपको 10 से 15 किलो फल देगा, लेकिन 5 साल का जो पौधा है वो लगभग आपको 50 किलो फल आराम से दे देगा। अब रही बात कि इसका फल अगर मार्केट में ना बिके तो मेवा कैसे बनाएं, तो आपको क्या करना है, फलों को तोड़ना है, फल को छील लेना है अच्छे से, कोई भी इलाका जैसे ऊपर का होता है ना फल का, ऊपर का वो ऊपर लगा होता है जो उसको डंठल को उखाड़ देते हैं, उखाड़ना नहीं है, समेत डंठल तोड़ना है। कोई भी हिस्सा फल का ऐसा ना हो जिसमें छेद हो ऊपर से नीचे, बस ऊपर ऊपर से उसकी चमड़ी जो है वो उतार देनी है, उसके बाद में उसे सुखा देना है कुछ इस तरह से, और फल अपने आप सूखते रहेंगे, सूख कर वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, और इस प्रकार का जब हो जाएगा तब पैकेट में पैक करके पंसारी को दे आना, जिस भाव अंजीर बिकता है लगभग उसी भाव ये आपका बिक जाएगा। अब रही बात कि इसके फ्रूट में और किसी फ्रूट में क्या फर्क है, तो इसका फ्रूट जो है ब्रेस्ट कैंसर जिन महिलाओं को होता है उनको खाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। दूसरा, इसका फ्रूट जो है, इसके फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट कीवी से भी ज्यादा होते हैं, जहां पर आप कीवी का उपयोग करते उधर आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब रही बात कि ये जो फ्रूट है इसकी खेती अगर आप करते हैं तो दिक्कतें क्या आएंगी, तो मैं आपको साधारण सी बात बता दूं, खुद के खाने के लिए घर पर उगाना है तो 100% उगा लीजिए, और दिक्कत यह है कि आज आप उगा लें कल को आपको मार्केटिंग बिल्कुल भी ना करनी आए, तो अगर बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं आती तो आप गेहूं चावल भी नहीं बेच सकते। थोड़ी बहुत मार्केटिंग आनी चाहिए, चाहे गेहूं चावल बेचना है, चाहे
जो है ये परसिमन फ्रूट बेचना है, चाहे कोई और फ्रूट बेचना है। जो थोड़ा मोटा संवाद कर पाता है, थोड़ी मोटी मार्केटिंग कर पाता है, वो बंदा इसकी खेती आराम से कर सकता है। अब रही बात कि भाई इसके अंदर कोई बीमारी आएगी या फिर बीमारी आ जाए तो क्या करें, तो आप अपने आसपास के जो सामान्य डॉक्टर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनसे बात कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में उतरी हैं, माइको है, श्रीराम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनके डॉक्टर घूमते रहते हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपको अच्छी दवाई बता देंगे। और बाकी इसके अंदर अभी तक भारत में ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती, यही देखा गया है। तो ये है दोस्तों जापानी फ्रूट, कच्चा बिके तो बेच लीजिए, पकाकर बिके तो बेच लीजिए, अन्यथा एकदम ड्राई फ्रूट बनाकर बेच लीजिए, कमाई का सौदा है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अंजीर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहां पर वीडियो दिखाई दे रही है, ये वीडियो जरूर देखें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।